12.0.4 का एक लेटेस्ट अपडेट हमारे पोको के M2 डिवाइस के लिए रोल्ड आउट हो चुका है। क्या ये अपडेट आपको मिला या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा कि क्या कुछ नया ऐड किया गया है। क्योंकि इसका जो साइज है ना, वो 442 MB देखने को मिलता है, काफ़ी स्मॉल होता तो कहते कि क्या पता सिक्योरिटी पैच मिला है, बाकी कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ पर साइज ज़्यादा है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि परफॉर्मेंस पहले से इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है, क्या नया आया है, क्या गया है। तो बस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक वॉच करना है, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस अपडेट से रिलेटेड मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी लेके आऊँगा, जिसमें मैंने आपको बैटरी डिटेल, चार्जिंग स्पीड, सारी चीज़ें बताऊँगा कि लॉन्ग यूज करने के बाद क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ परफॉर्मेंस और नए फीचर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो अबाउट फोन के अंदर 12.0.4 नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे अपडेट कर लिया है। और अपडेटर के अंदर आते हैं तो वही सेम देखने को मिलेगा। और व्हाट्स न्यू पे अगर चेंजों की बात करें ना, तो हर बार की तरह दो लाइन सिर्फ मेंशन किया गया है, जबकि इतना बड़ा साइज का अपडेट देखने को मिला है, जो कि एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है जून का, और इंक्रीज किया गया है सिस्टम के सिक्योरिटी का। एक पहले टाइम था जब लिखा हुआ आता था कि यहाँ पे स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है चेंजलों के अंदर, बट अब ये तो स्टेबिलिटी को डाउन कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को डाउन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी हर बार लिखते हैं, जबकि स्टेबिलिटी वगैरह तो भूल ही गए हैं, क्योंकि इनका डाउन करने का काम चालू हो चुका है। बट देखते हैं कि क्या कुछ और नया देखने को मिला है। तो बैक आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे ऑल एस्पेक्ट्स के अंदर अब सिक्योरिटी पैच हमें दिखाई देता है 2021.6.1 का, जो कि काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब भी स्टेबल का अपडेट आता है ना, तो हमेशा 1 month ओल्ड सिक्योरिटी पैच मिलता है, बट यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच मिला है ये बिल्कुल ही लेटेस्ट मिला है, जो कि काफ़ी सही है। बट यहाँ पे अभी तक एंड्रॉयड 10 ही मिला है, एंड्रॉयड 11 का अपडेट आया नहीं है। और मेरी अगर मैं अपने दिल की कहूँ तो भाई, मुझे एंड्रॉयड 11 नहीं चाहिए, वो भी इस डिवाइस के लिए, क्योंकि आजकल जितने भी पोको की तरफ से एंड्रॉयड 11 का अपडेट आ रहा है ना, फ़ोन का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। और इसे भी अगर अपडेट मिला ना, तो जिस तरीके से अभी काम कर रहा है ना, वो भी काम करना बंद कर देगा, बिल्कुल ही घटिया हो जाएगा। तो मुझे भाई एंड्रॉयड 11 नहीं चाहिए, एंड्रॉयड 10 पे ही खुश हूँ, बस 12.5 जल्द से जल्द आ जाए तो सही रहेगा। बट कब आएगा अभी कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, बट जो कुछ भी है अभी के लिए फिलहाल यही है। और ये अपडेट काफ़ी लंबे टाइम के बाद देखने को मिला है, मे बी 3 month के बाद, क्योंकि इसके पहले का अपडेट जो था उसमें 3 month का ही सिक्योरिटी पैच था। अब बात करते हैं नए चीज़ की क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको 1 May का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा, जो कि आपने अगर चेक नहीं किया है तो चेक कर लेना, आपको अपडेट नज़र आता है तो आप अपडेट जरूर कर लेना। इसके अलावा मैंने सेटिंग में हर एक जगह चेक किया कि कुछ नया तो नहीं ना आया, बट मुझे कहीं पर भी कुछ नया देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ इसके क्लाउड सर्विस पर, तो ये भी लुक मुझे पहले जैसे ही देखने को मिल रहा है, कुछ खास बदलाव दिखाई नहीं दिया है इसके अंदर। बट क्या आपके अंदर ये लुक था या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक सबसे बड़ा चेंज मुझे यहाँ पे इसके गैलरी में नज़र आया है, जिसका लुक बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। यानी अगर मैं किसी भी फोटोज़ के ऊपर आता हूँ और एडिट करने जाता हूँ, तो आप देखोगे जो बैकग्राउंड है पहले वाइट देखने को मिल रहा था, अब ये यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। अगर आपने गैलरी को मैनुअल अपडेट कर लिया होगा अलग से, तो आपका ऑलरेडी ब्लैक हो चुका होगा, लेकिन अगर आपका नहीं था, आपका वाइट था, तो ये अपडेट करते ही ब्लैक हो जाएगा। और यहाँ पे सारे फिल्टर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, क्योंकि जब तक वाइट था ना, तो स्काई फिल्टर्स और कुछ फिल्टर्स को यूज करने में काफ़ी लैग देखने को मिलता था, काफ़ी स्लो था, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और कोई भी दिक्कत इसे यूज करने में नहीं आएगा। साथ साथ यहाँ पे गूगल लेंस का ऑप्शन ऐड हो चुका है, जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिल रहा था। तो किसी भी इमेज के ऊपर अगर आप जाके एडिट पे जाके गूगल लेंस पे टाइप कर दोगे, तो गूगल लेंस इंटरनेट का यूज करते हुए उसी से रिलेटेड कुछ इमेजेस का रिजल्ट आपको शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन देखने को मिल गया है, बस एक इमेज को डालो गूगल लेंस पे और उसी से रिलेटेड सिमिलर कई सारे इमेज ला के दे देगा। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला। साथ साथ आप किसी भी फोल्डर के अंदर, एल्बम के अंदर घुसे हुए रहते हो, तो ट्रिपल लाइन पे आने के बाद आपको मिलता है ऐड आइटम हाइड डेट का, जो कि यहाँ पे डेट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इस डेट को आप चाहो तो हाइड कर सकते हो। साथ साथ शॉर्ट और शो फोटो और यहाँ पे सिंक टू क्लाउड और चेंज एल्बम कवर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस पर टाइप करके जो भी आपको कवर रखना है ना, वो कवर आपको बस सेट कर लेना है और वो आपको बाहर देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ ट्रिपल पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे वीडियो एडिटर, जो कि आई थिंक पहले था या नहीं, आप कमेंट करके बताना, क्योंकि इसके लिए मुझे डाउट है। बट सेटिंग के अंदर आते हैं तो आपको नया क्लाउड का टाइल्स देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़रा सही लगता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लुक में ये नज़र आता है। और अगर आप डार्क मोड यूज करोगे तो और काफ़ी अच्छा खासा है जो ये दिखाई देता है।
तो डार्क मोड ऑन करते ये काफ़ी अच्छा खासा लगता है। लेकिन आपका क्लाउड पे कुछ फोटोज वगैरह थे उसे डाउनलोड करने लग जाएगा, तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इसे ऑन रखो, अदरवाइज आप इसे ऑफ कर दो, अदरवाइज आपका डेटा खर्च होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको चेंज देखने को मिलेगा, जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। और नए लुक की वजह से आपका जो गैलरी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। और जो इसका सिक्योरिटी ऐप है इसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपने मैनुअल अपडेट कर रखा है सिक्योरिटी को तब तो आपको लगेगा कि ये तो पहले से ही था, लेकिन नहीं, तो इस अपडेट के बाद आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका जो लेआउट है ये बदल सा गया है, क्योंकि पहले मुझे ये देखने को नहीं मिल रहा था और इस अपडेट करने के बाद ये नया लुक मुझे देखने को मिला है। इसके बारे में आप कमेंट करना कि क्या ये लुक आपको पहले से मिला हुआ था या इस अपडेट के बाद ही आपको देखने को मिला है। तो बस ये दो तीन चीज़ें हैं जो चेंज की गई है। और कैमरे के अंदर मुझे कुछ खास बिग चेंज देखने को नहीं मिला, बट यहाँ पे गूगल लेंस का ऑप्शन है जो कि आई थिंक पहले भी था, लेकिन थोड़ा सा डाउट है, आप ये कन्फर्म कर देना। तो यहाँ पे गूगल लेंस का ऑप्शन अब आ चुका है। बाकी जो फीचर्स देखने को मिलते हैं कैमरे के अंदर वो सब कुछ पहले जैसा ही है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। बट क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव किया गया है या डाउन, चलिए उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अपडेट करने से पहले क्या था और अपडेट करने के बाद। तो ये रहा हमारा सिंगल और मल्टी कोर का रिजल्ट, जो कि Geekbench का है, जो कि अपडेट करने से पहले का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। वहीं पर अगर अपडेट के बाद के चेक करते हैं तो आप देख सकते हो हल्का सा पीछे के नंबर में बदलाव देखने को मिलता है, तो काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। अगर ह्यूज नंबर चेंज होता तब कहते भाई कुछ डाउन गया या अप गया है, बट सिमिलर ही देखने को मिलता है, ज़्यादा यहाँ पर बदलाव नहीं है। तो यहाँ पे Geekbench में तो कुछ चेंज आपको नज़र नहीं आएगा, बट वहीं पे अगर Antutu की बात करेंगे क्या चेंज है Antutu के हिसाब से, तो आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें 1.2% हीटिंग गेन किया है और 5% का बैटरी ड्रॉप किया है, जो कि अपडेट करने से पहले का है। बट अपडेट करने के बाद का चेक करें तो यहाँ पे आप देखोगे हल्का सा ये चेंज हो चुका है, थोड़ा सा इंप्रूव गया है, बट वहीं पे हीटिंग है जो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है और बैटरी ड्रॉप थोड़ा सा कम है। मे बी तुरंत अपडेट होने के बाद मैंने चेक किया, उसके वजह से ये टाइम लगा होगा और इसकी वजह से हीटिंग थोड़ा ज़्यादा गेन किया है। ये तो कुछ टाइम के यूजेज के बाद ही पता चल जाएगा, इसके लिए मैं आपको लॉन्ग टर्म का रिव्यू प्रोवाइड करूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी मैं अपडेट दूँ आपको वीडियो मिल जाए। बट यहाँ पे जो बैटरी ड्रॉप हुआ है ना, ये काफ़ी अच्छा लगा है कि पहले 5 था 3 हो चुका है, तो मे बी बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बट ये तो लॉन्ग टर्म में ही फाइनल हो पाएगा कि चार्जिंग स्पीड क्या देखने को मिलता है और बैटरी बैकअप क्या देखने को मिलता है। बट जो कुछ भी रिजल्ट था, जो कुछ भी अपडेट था, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आप कमेंट करके बताना कि ये अपडेट मिला या नहीं, सेम चेंजेस देखने को मिला या इसके अलावा भी कुछ नया आपने फाइंड किया है, आप ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।